कारवां टीवी हर पल आपके साथ। यूपी के बरेली से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां खेल खेल में मासूम बच्चे ने सांप को मुंह में रखकर चबा लिया। मामला बरेली के थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र भोलापुर गांव का है, जहां खेलते समय एक वर्षीय बच्चे देवेंद्र ने सांप के बच्चे को पकड़ लिया और मुंह में रखकर चबाने की कोशिश करने लगा। ये सारा नजारा बच्चे की मां ने देखा तो उसके होश उड़ गए। बच्चे की मां ने अपने पति को जानकारी दी तो आनन फानन में उसने बच्चे के मुंह से सांप को निकाला। बच्चे के पिता ने बताया कि वो अपने बेटे के पास पहुंचा तो उसका बेटा सांप के बच्चे को मुंह में रखकर चबाने की कोशिश कर रहा था, जिसके चलते उसने आनन फानन में सांप के बच्चे की पूंछ पकड़कर मुंह से बाहर निकाला। इसके बाद बच्चे को उपचार के लिए जिला अस्पताल बरेली ले गया। फिलहाल इस तरह की घटना से क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। बरेली से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। मेरा नाम धर्मपाल, धर्मपाल हाँ जी, ये मेरा लड़का है। इसको खेलते खेलते इसने बच्चे के लिए सांप ने काट लिया, मुंह में दे लिया। खेलते खेलते उसे हमने इसकी हम खाना खा रहे थे, इसकी माँ हमने इसके मुंह में कुछ खा रहा है तो उसे हमने इसके मुंह में से निकाल दो, तो निकालने को चली वो डर के मारे भागी, बोली सांप है। हमने इसके मुंह में से निकाला तो देखा तो सांप, अब ये फड़फड़ा रहा था सर जी, इसने मुंह में पूरा चबा लिया। हाँ जी, हम मेरा गांव भोलापुर पड़ता है, थाना फतेहगंज पश्चिमी है, ये एक साल हो चुकी है इसको, घर में खेल रहा था ये। तो कारवां टीवी हर पल आपके साथ।